दोस्तों, आज जो आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ उसका नाम है मेंटल केज। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक आदमी एक हाथी के बाजू से गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया। वह इस बात से हैरान हो गया था कि इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी का सिर्फ एक आगे वाला पैर रस्सी से बंधा हुआ था, ना कोई जंजीर और ना कोई पिंजरा था उसे रोकने के लिए। यह बात तो एकदम साफ थी कि हाथी कभी भी किसी वक्त उस रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकता है, पर उस हाथी ने वैसा नहीं किया। फिर वह आदमी नजदीक खड़े हाथी के ट्रेनर के पास गया और उससे बोला, यह हाथी बड़ी ही शांति से खड़ा हुआ है और ना ही कोई कोशिश कर रहा है अपने आप को आजाद करने की। ट्रेनर ने बताया, जब यह हाथी बहुत छोटा था, बच्चा था, तभी उसे इसी माप की रस्सी से बांध दिया था और उस अवस्था के हिसाब से यह रस्सी उसे बांधे रखने के लिए काफी थी। जैसे ही वह बड़ा होता गया, उसकी सोच होती गई कि वह रस्सी उसे बांधे रखने में सक्षम है और वह उसे तोड़कर आजाद नहीं हो सकता। वह आदमी दंग रह गया यह सोचकर कि इतना विशाल जानवर रस्सी के बंधन से सिर्फ इसीलिए मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसके मन में यह बात मजबूत हो गई है कि वह आजाद नहीं हो सकता, और इसीलिए वह जीवन भर के लिए एक ही दशा में रुक गया है। वो हाथी ना किसी रस्सी के बंधन के कारण रुका हुआ था, बल्कि अपने मानसिक बंधन में उलझा हुआ था। दोस्तों, हम इंसानों का भी यही हाल है। हम अपने पास्ट में घटित हुई घटना या असफलता को हमारे दिमाग में घर बनाने देते हैं और अपने आज और भविष्य में अटके रह जाते हैं। दोस्तों, हम हाथी नहीं, इंसान हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, प्रकृति के बनाए हुए सबसे बुद्धिमान जीव। हमें अपने धैर्य, विश्वास और कोशिश के साथ आगे चलते रहना चाहिए और ना ही पास्ट को हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे हावी होने देना चाहिए। दोस्तों, वो बोलते हैं ना, हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा हो ना हो पर आवाज तो दो, एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो।